सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, अभी जो है हम होटल से निकल रहे हैं कैंप के लिए और गाड़ी आ गई है नीचे। सो चलते हैं गाड़ी के पास और चलते हैं कैंप। सो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा कैंप किया है मैंने और कितना कॉस्ट आया कैंप का और क्या खाना दे रहे हैं। सो मैंने जो कैंप बुक किया है 2500 में किया है पर हेड, और हमने 3 टेंट लिए हैं। अगर आप ग्रुप में आते हो, 4 लोग आते हो अगर आप, तो आप एक टेंट ले सकते हो और एक टेंट का जो चार्ज है वो 1800 पर हेड। बट हमने कपल लिया है तो हमारा 2500 पड़ा है। खैर कोई नहीं, जो कैंप है सेफ रेट है। तो चलते हैं कैंप की तरफ, गाड़ी आ गई नीचे। सो भाई, फाइनली ब्यूटी का बैग पैक हो चुका है और मेरा तो ऑलरेडी पैक था। सो भाई, अभी हम जा रहे हैं नीचे। सो भाई ये देखो, मेरा बैग तो ऑलरेडी पैक था, मैंने अपना बैग ले लिया है और ये रही ब्यूटी। सो भाई, ये कार्ड निकालते हैं और चलते हैं नीचे। सो भाई, अब चल रहे हैं नीचे गाड़ी के पास। ओहो, हेलो गाइस, टीम तो हमारी यही है। सो भाई, लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। हाँ, कर दो बंद उसको। लास्ट टाइम मैं यही रूम। हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो भाई, रूम बंद करिए ब्यूटी, और लिफ्ट आ गए। चश्मा देंगे आपको, चलिए। सो भाई, आगे लिफ्ट में प्रेस करते हैं। ग्राउंड ग्राउंड आ जाओ, सारे लोग आ जाओ जल्दी, फटाफट। तो भाई ये देखो, गाड़ी आ गई है हमारी। तो चल रहे हैं कैंप के पास। मैंने तो पैक कर दिया भाई ड्राइवर साहब ने। तो भाई हम आ रहे हैं दूसरी साइड से, उस तरफ रास्ता बनता। बोलना भैया गाड़ी यार, गाड़ी लग रहा खुली हुई है। तो भाई पीछे डाल देंगे सामान सारा, पीछे आ जाएगा सामान और आगे जाएंगे हम। बैठ ले भाई, सामान ले आओ। ले आओ सर, सामान ले आओ मुलायम जी, सामान। तो भाई ये सारा सामान डाल दिया है गाड़ी में और अब चल रहा है कैंप की तरफ। और थोड़ी सी यार बारिश होने लगी है, बूंदी बूंदी सब बूंदे पड़ रही है हल्की हल्की। सो भाई फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में और वहाँ मुलायम आ गए पीछे और सन्नी और पीछे पीछे बैठेंगे, ब्यूटी पीछे बैठ गई है। और अभी हम चल रहे हैं कैंप के पास। तो यहाँ से 8 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, इसमें बहुत अच्छा व्यू मिलेगा हमें कवर करने के लिए। तो ये चलते हैं। Oh,
तो भाई फाइनली आ चुके हैं कैंप के पास और ये हाँ पता है, ओ पता नहीं सुबह शाम। तो भाई मुलायम हो रहा मुलायम सिंह यादव आ गए हैं हमारे और मैं इस ब्लॉग को इलविश यादव प्रमोशन करवा दूंगा। 2 मिलियन ब्लू व्यूज आएगा पहले ही वीडियो पे। कितना मिलियन? 2 मिलियन। ओके सर। तो भाई जो अलविश यादव है जो बिग बॉस का विनर है वो इसके ममेरा लड़का है, मामा का लड़का है, मतलब है ना मुलायम? यही बात है ना? यस यस यस। तो भाई ये रहा कैंप का रास्ता। हाँ साइड में बोल रहे हैं मरवाएगा मुझे। भाई जा रहा है अपना। तो भाई भाई जा रहा है। सो भाई ये कैंप का रास्ता है हमारा। हाँ नंबर है। तो भाई ये देखो कैंप का रास्ता है, ज़्यादा पतला है। सो ये भाई थोड़ा पथरीला है। सो ये हमारे यहाँ पक्का प्रमोशन है ना भाई? प्रमोशन डन है तुम्हारा इस बार। सो भाई बाकी सारे लोग आ रहे हैं। तो यार ये देखो रास्ता कितना ख़राब है यार, पैदल के लिए बाइक भी आ सकती है नीचे। आइए गाइस आइए। सो भाई ये देखो सारे बंदों को एक बार दिखा दो सीन। आ रहे हैं लोग वहाँ पे सारे। आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ सारे। तो भाई अपन भी चलते हैं। सो कैंप जो है ना बिल्कुल रिवर साइड पे हमारा, जो छोटी रिवर है ना वहीं पे कैंप है हमारा। सो भाई आ गए हैं कैंप के पास, मतलब अभी रास्ते में ही है। और ये सो भाई ये देखो आ गए हैं, मुलायम पीछे है। क्या करना और प्रमोशन की बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात चल रही है यहाँ पे कि जितने भी यूट्यूबर सबसे प्रमोशन करवा देंगे भाई। पहली बार मैंने उससे एक महीना दो महीने पहले बात की। ये जो मुलायम सिंह यादव है अपने आप को सच में नेता समझ गए हैं। थोड़ी देर व्यायाम हो गया इनको, सही व्यायाम दूर हो जाएगा इनका थोड़ी देर में जब नहाएंगे ये। सो भाई अब आ गए हैं नीचे, आओ दिखाता हूँ। सो भाई ये देखो, सो भाई एक यूट्यूबर है मुलायम के गाँव की। कौन है नाम क्या मुलायम? अंजलि चौहान। सो आपके गांव की है? 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। अभी एक महीने पहले गोल्डन बटन आई है, प्ले बटन। सो कहां प्ले बटन? तो आपकी पड़ोसी है अमेरिका? हाँ मेरा और उसका खेत का मेरा सेम है बिल्कुल। अच्छा पड़ोसी है बिल्कुल। तो कभी लड़ाई हुई है खेत के लिए कि भाई इतना? नहीं नहीं कभी लड़ाई नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं खेत के आस में। तो बहुत अच्छा भाई। ये देखो यार ऊपर से झरना, भाई मैं फिसल गया। सो भाई ये देखो यार जीना बना दिया है। तो भाई ऊपर से रोड आ रहा है, कुछ दिन में इसको रोड ही बना, वो जीना बना देंगे। ये देखो नहीं नहीं आधा जीना बना दिया है। एक्स्ट्रा पानी होता है वो बह के आता है और कोई। हाँ वही बात है। सो भाई अभी मैं वहाँ पे फिसल गया था भाई, पत्थरों में गिरता, वो देखो बाकी सब आ रहा है। तो भाई चल रहे हैं धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि भाई फिसलन भरी जा रहा है जगह है, फिसलन भरी है। ये देखो सो भाई इसको जीना बना दिया, पहले बिल्कुल प्लेन रोड था, बाइक स्कूटी आ जाती थी। वो देखो फंस गए हैं। सो भाई वहाँ ब्यूटी फिसल रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से आ जाओ। हमें तो कहीं चला रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रेगिस्तान के आदमी हैं। ये रेगिस्तानी ऊंट है, चार में बिना पानी के चल सकता है। आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ सारे। आ जाओ 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 आ जाओ। गिरते गिरते बचे हैं। सो भाई अभी गिरते गिरते बचिए। और मुलायम तो भाई रेगिस्तानी ऊँट है, ये रेगिस्तानी घोड़ा है, जहाँ मर्जी चलवा लो है ना भाई। हाँ भाई सही बात है। तो भाई चल रहे हैं कैंप की तरफ। डन। और हम लोग धीरे धीरे कैंप में जाते हुए, ये हैं मिस्टर रॉकी जो दिल्ली से चल के आए हैं, काफ़ी दूर दराज से चल के। और कुछ हमारे साथ के बंदे उधर पीछे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहे हैं उधर। वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाले हैं, वो रेगिस्तान से चलने वाले ऊँट नहीं हैं। और
हमें तो तुम कहीं चला लो, आड़ पे पहाड़ पे, पानी में, जल थल हवा, कहीं भी। तो भाई यार थोड़ा ऊपर से काफी दूर है कैंप थोड़ा यार, जाने है। कोई बात नहीं, इतने में आदमी थक थोड़े जाता है यार, ये सब तो अपना कल्चर में पैदल चलना। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो इतना हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं है, कोई हम लोग को इशू नहीं है। तो भाई पानी का फ्लो देखो काफी तेज है। हम लोग जब गांव पे काम करते थे, घर खेतों में काम करते थे, तो दिन दिन दोपहर में काम करना, धूप में काम करना, मई जून की गर्मी में काम करना, इस तो आदत है। अब ठीक है, छूट गया 10-12 साल से, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर तो वही है ना। मुझे लग रहा हम ज़्यादा आगे आ गए हैं, तो रास्ता भूल गए हैं शायद, हमें लग रहा है हमारे डायरेक्शन वाले आदमी यही हैं, बहुत आगे आ गए हम, जो हमें डायरेक्शन बता सकते हैं। क्योंकि कैंपर नो आइडिया मैम, आई हैव नो आइडिया। तो एक रिजॉर्ट हम लोग भूल गए थे, तो कुछ कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे अपने मिशन मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। एक भाई साहब यहाँ पे लाइन वाइन के कुछ प्रक्रिया करते हुए अपना जो भी है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक या फ़ोन कॉल कुछ भी हो रोकी तो प्लीज प्रोवाइड मी। सो एक हमारे साथ कैंपिंग वाले भी आदमी हैं, रेड बैग के साथ, येलो टी शर्ट में, ये रोकी फिर रास्ता बोलते हुए। इनके ऐसे आदमी तो मैंने देखा, ऐसी बात नहीं है, पहली बार देखा है मैंने ये रास्ता भूल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि रॉकी की बात पे मुझे भरोसा 0% रहता है कभी भी। यार ये सब नहीं चलेगा, यहाँ सब चार बार चक्कर के तुम लोग बंदों को थका दो, कैंप में जाते ही सो जाए। ठीक है, एक आप कैंप में जाते ही सो जाए, मेरी गलती नहीं है, अभी ना रूट चेंज हो गया, देखो पहले कैसे का रूट अब कैसा हो गया, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कहीं चला लो, पानी जो वहाँ भी मानो। ये एक दो बंदे हमारे साथ हैं जो थोड़ा चलने में दिक्कत होती है इनको, चलने में नहीं भाई, नीचे ऊपर हो रहा है ना, चलना ही चाहे ऊपर चला लो चाहे नीचे चला लो, बात तो वही है। फाइनली हम लोग लग रहा है कि मुड़ रहे हैं सीढ़ियों से। कैमरामैन फोकस करो, यादव जी आ रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, जो भी है हैं बस साथ में। तो ये काफी नालियों वाला रास्ता है, ड्राइवर ने पहले उतार दिया है। अच्छा, तो वो हमें लग रहा है कि वर्ड बोलना चाहिए, 2-3 ब्लॉग में नहीं बोल सकते हम। लेकिन हम तुम्हारी टीम को वो सारा काट गया, बस इतना जान लो। सन्नी लग रहा है रास्ता देखे हुए हैं, बहुत पास चल रहे हैं आगे, और उसके पीछे रॉकी कैंप, ये पन्नी जो भी है, तिरपाल जो भी बोलते हो, समियाना जो भी बोलते हो, टेंट जो भी बोलते हो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पे अपने मंजिल डायरेक्शन। अरे यार रॉकी यहाँ तो आए हुए हैं यार, अरे कुछ बुद्धि वहीं नहाते थे हम लोग, यहीं आकर रुकते थे, है ना। अरे यार तो ये सब तो जाना पहचाना कैंप है, उधर खाने का। अरे यार सो आइडिया, इसमें भी हम तीन फोकस करो, यस फोकस कर रहे हैं तुम्हें ही बाबू हम। ये हमारा रिजॉर्ट है जहाँ हम लोग रुके हैं, खाने पीने की, रुकने की व्यवस्था, स्टे करने की व्यवस्था। ये हमारे मिस्टर एक्स मैन सन्नी, ये रॉकी जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कैंप के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉकी। तो भाई फाइनली आ चुके हैं कैंप पे, काफी पसीने से भीग चुके हैं, तो हम लोग एक दो डायरेक्शन जो है ये लोग हम मेरे हिसाब से मैं दूसरी तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ, कैंप देख के मैंने पता लिया। तो भाई ये देख लो कैंप का व्यू है, और ये हमारा कैंप है।
सो अभी चेकिंग करते हैं, अभी कोई कैंप खाली तो नहीं है। सो भाई अभी कैंप तो मिला नहीं और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड पे, चलिए चलते हैं। सर रुकिए ना। सो भाई ये मुलायम सिंह यादव जी है और ये रिवर है भाई, फ्लो देखो यार पानी का, क्या मजा ही आएगा नहाने में यार, है ना। तो भाई ये नीचे उतर गए और ये देखो फ्लो देखो यार पानी का। तो यार ये देखो पानी का फ्लो देखो यार। तो भाई फ्लो तो काफी तेज है। फ्लो तेज है काफी, है ना। तो भाई चलिए हम भी चलते हैं पानी में, बारिश भी होने वाली है तो और मजा आएगा, मजे तो आने वाले ही हैं। सो भाई उस साइड थोड़ा पानी कम है, उस साइड चलते हैं, उस साइड पानी कम है, उस साइड चलते हैं। सो भाई आ जाओ उस साइड चलते हैं, देखते हैं रास्ता कहाँ से है, इस साइड से है रास्ता। सो भाई चलते हैं इस साइड, ये मजबूत है थोड़ा। ओ ये देखो यार बूंदे पड़ रही है हल्की हल्की। सो भाई इस साइड जो पानी का फ्लो है इस साइड थोड़ा कम है और इस साइड हम नहा सकते हैं इजीली। लास्ट टाइम जब आए थे हम वहाँ पे ना आए थे, कमर तक पानी है मोस्टली ज़्यादातर। यहाँ ठीक है, यहाँ पानी बिल्कुल अपने लेवल का है और यहाँ हम नहा सकते हैं आराम से, नहा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है। तो भाई यहाँ फ़ोन में स्टैंड पे लगा देते हैं, चलते हैं अंदर। सो भाई ये ब्यूटी अब जा रही है पानी में, पहली बार पानी से बहुत डर लगता है इसको। सो भाई मैं पानी में लेके जा रहा हूँ, चलो आ जाओ। सो भाई ये देखो पानी में आ रहे हैं और बहुत ही ठंडा पानी है, चिल्ड पानी यार बहुत ज़्यादा। चलो चलो हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं मुलायम के पास और यार पानी बहुत ठंडा है, मज़ा आएगा नहाने में। ये देखो मज़ा आ रहा है। तो भाई यहाँ यहाँ फ्लो ठीक है, यहाँ हम नहा सकते हैं इजीली। तो भाई मैं खुशबू को लेने जा रहा हूँ। तो भाई खुशबू को लेने जा रहा हूँ, चलो आ जाओ। तो भाई खुशबू आ रही है, ब्यूटी को देखो मजा आ रहा है, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। तो भाई पानी यार बहुत क्लीन है, मजा आएगा नहाने में, सीरियसली बता रहा हूँ। तो भाई अभी चल रहे हैं पहाड़ों पे, छोटा सा पहाड़ है बीच में, ये भी पानी में बह के आया, जब फ्लो कभी तेज हो जाता है ना तो यहाँ पे बाढ़ वाढ़ आ जाती है, तो ये पत्थर उसी में बह के आया है। ओ भाई मैं फिसल रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो फोटो शूट हो रहा है। सो भाई फाइनली आ चुके हैं पानी, पानी वो फ्लो देखो कितना कितना गहरा पानी है। सो भाई अभी मुलायम मुलायम आ गए हैं, सब सब नहाते हैं, वो खुशबू और जीजू हो रहे हैं, वो खुशबू सन्नी हो रहे हैं, जीजू पीछे जा रहे हैं। डन डन जा। फोटो इधर तो आ गया ना, तो भाई अभी कंपटीशन होने जा रहा है, कौन पानी ज्यादा दर्द रहा सकता है, कौन देर से डूब रहा है, रुके पहले कौन पानी में ज्यादा दर्द रहेगा उसको कंपटीशन में। चलो ये मर गया, कौन देर से डूब रहा है, चलो ठीक है, चलो आप पकड़ लो, 1 2 नहीं हाथ में पकड़ो, चलो ठीक है, 1 2 3 गो। कौन जीता, कौन सनी भैया, सनी भैया जीते, सेकंड में आप है, थर्ड में मुलायम भैया, हम तैयार रहे अब ना, जीजू तो जीजू सीता हो गए हैं, जीजू सीता हो गए, यू हो गए, ले 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 फोटो खींच दो, मेरे टाइम बढ़ते जाएगा, फ्लो बढ़ते जाएगा। Ha 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 ha.
हो गया है तो भाई काफी देर हो गई पानी में और बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पानी बहुत चिल रहा है यार। बहुत ये क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से भी नहा लेता हूँ पानी में। तो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो भाई मनाली गए थे, वहाँ तो रिवर में बहुत मतलब गंदा पानी था, वहाँ ठंडा नहीं लगा, ठंडा था और भाई ठंड भी थी ऊपर से बहुत ज्यादा, हम तो पार्क में भी नहीं आए वहाँ पे। तो भाई वो खुद को बात कर लिया और ये सब देखो यहाँ। तो भाई जो फ्लो है वो भी काफी तेज है, बट इतना है कि हम जहाँ कमर तक पानी है वहीं नहा रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। उनको देखो इलास की तरह बह रहा है। तो भाई बहुत मजा आ रहा है, चलो एंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। ये मुलायम भैया है और रॉकी है। मुलायम भैया को ऐसे लग रहा है ना कि सदमा लग गया है। क्या भक्ति कर रहे हैं क्या उसमें आप? भक्ति कर रहे हैं क्या? भक्ति कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं, आराम। अच्छा आराम कर रहे हैं, लग गए हैं बहुत ज्यादा। सही जगह आराम करने के लिए। हेलो गाइस, फॉलो मी, फॉलो मी। आप लोगों के लिए मुलायम भी इतने कष्ट उठाए हैं और पानी में बैठे हुए हैं। तो रोके कुछ बढ़िया चीज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं पानी में, पता नहीं कौन सा बढ़िया चीज मिलेगा, तब तक बने रहिए। ये बढ़िया चीज था आपका, यही बढ़िया चीज था। और ये सन्नी भैया और जीजू, हाँ ठीक है, सब भैया को पूछ मार दीजिए। और यहाँ पे दीदी जीजू पानी में छपकी मार रहे हैं। तो बता दो दीदी किसका पूछ दे रहे हैं, किसका पूछ दे रहे हैं? शाहरुख खान वाला। तो भाई दोबारा कॉम्पिटिशन होने जा रहे हैं एक बार। हाँ दोबारा, कौन सबसे देर तक पानी में डुबकी लगाएगा? ये कॉम्पिटिशन ले रहे हैं लोग, कौन ज्यादा देर तक पानी में डुबकी लगाएगा। तो हम बताते हैं सबसे ज्यादा टाइम तक कौन रहता है। चीटिंग कर दिए रॉकी, देखिए लोग वो लोग तो लगे चीटिंग कितना गंदा किया है। रॉकी सन्नी भैया पहले, सेकंड में रॉकी, थर्ड में मुलायम भैया, जीत जीत गए जीजू। सेकंड पे आप है, थर्ड में रॉकी है। और वीडियो देखने के बाद असलियत पता चलेगा। वीडियो देखने के बाद हाँ हेलो गाइस, ये फोटो शूट कैमरा हो रहा है, यहाँ दो बच्चे स्नान कर रहे हैं, वहाँ फोटो शूट हो रहा है और वो फोटो वीडियोग्राफर, और ये दो बच्चे रॉकी सन्नी यहाँ, वो दो बंदे वहाँ पे, और वहाँ भी काफ़ी सारे बंदे इधर उधर एंजॉयमेंट।
ये ऋषिकेश का व्यू है, पहाड़ों का व्यू है। तो गाइस मैं ऐसा कुछ नहीं है, वो गाइस जो भी है, ये पानी का लहरा बहुत तेज है, ब्लू पानी है, ब्लू हेज ब्लीस। दो यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं हमारे, और उधर कुछ बच्चे हैं, इधर कुछ बच्चे हैं, उधर कुछ बच्चे हैं, और ये मैं। हाँ, तो हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया इलविश यादव का नाम लेके, दोनों बंदे यहाँ पे हैं, डन 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 1 2 3 और कंपटीशन चालू है। सन्नी और उनका पॉकेट फुल लगा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड से म्यूजिक दे रहा है, और सन्नी कंपटीशन हार चुके हैं। और जिया जी निकल जाइए बाहर, क्यों सांसे बुला रहे हो फालतू में, और पंपू के साथ, पंपू साइड में निकल रहा है उनका लहरा मारते हुआ, और ये कंपटीशन जीतते हुए पॉकेट फुला के साइड में। और यहाँ पे कंपटीशन भी चालू है, तो कोई दिक्कत नहीं है इनके बच्चों का। बॉडी बिल्डिंग वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है इलविश यादव का नाम लेके, चलो स्टार्ट है वीडियो। ये कोई कंपटीशन नहीं, कोई जीरो टॉलरेंस। तो भाई फाइनली रिवर से आ गए हैं बाहर यार, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत ज़्यादा नहा भी लिए हैं, 1.5 घंटे से नहा रहे थे, और इंजॉयमेंट काफ़ी हुई। कैसा लगा मुलायम? बहुत मस्त। पानी कैसा था? पानी चिल्ड कूल एकदम, बियर की तरह। तो भाई ये हम तो पहले भी आ रखे हैं, लेकिन ब्यूटी का पहली बार ट्रिप है ये, आज पहली बार ऋषिकेश आई है। तो कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया है, मनाली से ही मज़ा आया यहाँ पे। तो भाई मनाली में रिवर में नहाने को नहीं मिला था, और यहाँ रिवर में नहाने को मिल रहा है, तो इसलिए मज़ा आ रहा है। तो भाई अब चलते हैं कैंप में, कैंप लेते हैं, नहाते हैं और रेस्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे लंच, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सन्नी को बोला था, सन्नी किसी और के टेंट में घुस गया। कौन सा कैंप है भैया? 7, 8, 7, 9, 10 तो हमको तो यही दे दो आप। ओके, दो लास्ट वाले हैं, दो लास्ट वाले। सब भाई मुलायम और तो इसमें जा रहे हैं, हम लोग इसमें चलते हैं। और दो ये रहे, तो इसमें तो कोई सा भी ले लेंगे, ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है। तो भाई ये देखो, ये है हमारा कैंप, इसमें दो बेड मिलेंगे आपको, एक कूलर मिल जाएगा, फैन चलता हुआ मिल रहा है, और ये इसका वॉशरूम है, ये नहाने का, और ये वॉशरूम है। सो भाई ओवरऑल कैंप देखे तो काफ़ी अच्छा है, और जो लोकेशन है वही बहुत अच्छी है। ये देखो आप, यहाँ से आप जो वीडियो वगैरह बनाओगे या टिकटॉक पे जो वीडियो बनती है, फिर रील्स बनती है, वो वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, व्यू बहुत अच्छा है आप यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। सो भाई ब्यूटी आ रही है, बैग मैंने ले लेते, जूते लेके आ रही है दोनों। तो चलते कैंप में, कोई बात नहीं, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। सो भाई फाइनली आ गए हैं कैंप में, अब नहा वहा के फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद चलते हैं लंच वगैरह करने। यहाँ पे एक वाटरफॉल है यहाँ पे, वहाँ पे भी देख रहे हैं, प्लान बना रहे चलने का, तो चलते हैं। सो भाई मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ, और ब्यूटी भी रेडी हो गई है। सो भाई अब चल रहे हैं किचन में खाना खाने, जो रेस्टोरेंट हमारा, तो वहीं चलते हैं खाना खाने। भाई यार एक ना दिक्कत हो गई है, देखो बारिश हो रही है बाहर। सो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लॉक कर देना उसमें, देखो चाबी लगी हुई है। तो भाई ये देखो बारिश हो रही है बाहर, ये देखो यार बारिश होने लगी, और उधर थोड़ा दूर चल के जाना है मैं किचन में, जहाँ पे कैंटीन है। तो चलिए चलते हैं, आ जाओ। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। वो आ जाएंगे, आ जाओ भाग के। वीडियो स्टार्ट। सो मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। मनाली से बहुत अच्छा है? हाँ। मनाली सस्ता भी है? हाँ। सो भाई बादल आ गए पहाड़ों पे, और बारिश होगी लग रहा है, पूरे दिन ही होगी बारिश। खैर कोई नहीं, हम तो एडवेंचर करने आए, एडवेंचर हो रहा है हमारा बढ़िया। ये देख लो ये किचन है यहाँ का,
दिखा थोड़े देर बैठे हुए हैं ये लोग। सो भाई अभी खाना लगा नहीं है, सो ये किचन है, देखते हैं कब तक खाना आता है, तब तक वेट करते हैं। सर प्रमोशन पक्का है ना हमारा? अरे करवा देंगे, इसलिए टेंशन। टी शर्ट कहाँ से लेगा? बहुत बढ़िया लग रही है, दुकान से। तो भाई ये ब्यूटी जा रही है खाना लेने, मेरा भी लोग ना इसमें। हाँ आप लोग ले लेते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। सुबह पहले खाने में दिखा देता हूँ क्या क्या। ये सैलेड है, रोटी, चावल, ये है दाल, मिक्स वेज और रायता। तो भाई यही आइटम है। ये मटर मशरूम है। सो भाई मैंने लिया है मटर मशरूम, राइस और ब्यूटी रोटी। वोटी लेके आ रही है, रोटी दाल। सो भाई 2500 रुपये का कैंप है और ये लंच है। कितना लंच मिलेगा आपको? आप अनलिमिटेड खा सकते हो। इसके बाद डिनर है, डिनर भी दिखाएंगे आपको क्या मिला डिनर में। तो भाई मैं आ गया हूँ रूम में अपने और अब जा रहे हैं सोने। सो भाई ये जो ब्लॉग है काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और इवनिंग का जो ब्लॉग है मैं नया बनाऊंगा। सो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ मैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई अगर किसी को नेचर वैली ऋषिकेश आना हो इस कैंप के बारे में हो, तो भाई नेचर वैली कैंप है, इसका नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर है और खाना भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इवनिंग और मॉर्निंग में जो आपके जो जो ब्रेकफास्ट है और डिनर है उसमें आपको नॉनवेज मिलेगा। सुबह एग अंडे की भुर्जी मिलेगी या फिर बॉयल एग मिलेगा और इवनिंग में आपका चिकन कन्फर्म है, पहाड़ी चिकन होता है वो मिलता है आपको इवनिंग में। मटर पनीर भाजी वालों के लिए मटर पनीर है। सो भाई इस ब्लॉग का कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय।